नमस्कार साथियों, मैं विशाल सक्षम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, अपना बेरिंग का चैप्टर था वो हो गया था पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगर कोई अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। मेरे को नहीं लगता कि समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक उसके अंदर रह गया हो, कोई टॉपिक नहीं रहा और कोई भी डाउट है वो नहीं रहता, है ना। तो आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करते हैं आज। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना पाइप फिटिंग। समझ गए होगे, पाइप और पाइप फिटिंग यानी प्लंबर का काम शुरू करते हैं अपना, ठीक है। कि आपका पाइप होता है वो किस चीज का बना होता है, कैसे बना होता है, ठीक है, किस आधार पे बनाया जाता है, वो पाइप से जो कम व्यास वाले होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। पहले अपन पाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पाइप के द्वारा की गई फिटिंग, यानी पाइप के द्वारा जो फिटिंग की जाती है वो कौन कौन सी फिटिंग की जाती है, कौन कौन से उपकरण लगाए जाते हैं, कौन कौन से टूल आपके काम आते हैं, ठीक है। चलो, चैप्टर को शुरू करने से पहले क्लास को एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि मैथ की क्लास और ट्रेड थ्योरी की क्लास आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगी, यानी एक दिन मैथ की क्लास और दूसरे दिन फिटेड थ्योरी की क्लास, ठीक है। और आपकी शॉर्ट्स वीडियो है वो डलती जा रही है मैथ की रेगुलर, ठीक है। मैथ के ऊपर ज्यादा फोकस है क्योंकि अगर मैथ कहीं ना कहीं कमजोर रह गया ना तो अपना एग्जाम है वो थोड़ा रह जाएगा, ठीक है। जो मैथ की ट्रिक्स है, जो थोड़े फॉर्मूलाज है वो थोड़े मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन देखते हैं पाइप, पाइप का परिचय कैसे करेंगे अपन, ये बताओ पाइप क्या होता है, बताओ पाइप का परिचय कैसे करते हैं, परिचय इंट्रो बताओ क्या होता है पाइप। पाइप एक होलो सिलेंड्रिकल पीस होता है, या बोल सकते हैं पाइप एक खोखला पीस होता है या टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसके अंदर से अपन बहने वाले यानी जो लिक्विड फॉर्म में पदार्थ होते हैं, आपका पानी हो गया, गैस हो गया, अल्कोहल हो गया, भाप हो गया, और भी बहुत लिक्विड होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। और पाइप है, जो पाइप होता है वो किस धातु का बना होता है वो देखेंगे। और पाइप से जैसे आपकी जैसे पाइप का व्यास मान लीजिए 15 mm या 12 mm है, या 12 mm से व्यास है उनका कम व्यास हो, या जैसे 10 mm का व्यास हो किसी पाइप का, तो उसे अपन क्या बोलेंगे वो देखते, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पाइप क्या होता है, यह एक होलो सिलिंड्रिकल या बोल सकते हैं अपन खोखला टुकड़ा होता है, क्या यह एक होलो सिलिंड्रिकल खोखला टुकड़ा होता है, होलो यानी गोल आकार का, ठीक है। चलो यानी खोखला। आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है वो लिखो, इसका उपयोग बहने वाले पदार्थों जैसे पानी, एल्कोहल, गैस, भाप आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, पाइप एक होलो सिलेंड्रिकल या खोखला टुकड़ा होता है जिसका उपयोग बहने वाले यानी लिक्विड फॉर्म में जितने पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, पानी, गैस, एल्कोहल, भाप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो पाइप होता है उसकी दीवारें क्या होती है, मोटाई में कम होती है, और 12 mm व्यास वाले या 12 mm कम व्यास वाले पाइप को क्या बोला जाता है, ट्यूब बोला जाता है। तो इसमें लिखो, पाइप की दीवारें
मोटाई में कम व 12 एमएम व्यास वाले, 12 एमएम कम व्यास वाले, ऐसे लिखो 12 एमएम कम व्यास वाले पाइप को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूं पूरा का पूरा। यह एक होलो सिलेंड्रिकल फीस खोखला टुकड़ा होता है। इसका उपयोग बहने वाले पदार्थ को जैसे पानी, अल्कोहल, गैस, भाप आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। पाइप को, पाइप के जो दीवारें होती है, यानी जो पाइप खोखला होता है, जो साइड की दीवारें होती है, वो क्या होती है? मोटाई में कम होती है। ठीक है, और जो 12 एमएम कम व्यास वाले पाइप होते हैं, जिसका मतलब होल होता है आगे से, जो 12 एमएम से कम होगा, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं पाइप के कुछ और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, इसे लिखो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पाइप का उपयोग है वो घरों में, दीवार घरों में, दुकानों में, उद्योगों में, दैनिक जीवन में, कहीं ना कहीं क्या है, उसका काम करना पड़ता है, उसे काम आता है। ठीक है, उसका कार्य करने के लिए उसे काटना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो काटना, मोड़ना, जोड़ना, ठीक है, और कभी कभी उसके ऊपर चूड़ी काट कर फिटिंग करना, तो ये सारा काम कहां पॉसिबल होता है? एक प्लंबिंग शो में पॉसिबल होता है। और जो काम ये मैकेनिक या कारीगर करता है, क्या ये जो काटना पीटना जो ये काम है, कौन करता है? एक मैकेनिक या कारीगर करता है, उसे आप क्या बोलते हो? आमतौर पर जो घरों में आपकी टोंटी या फिटिंग करने वाला होता है, उसे क्या बोलते हो? प्लंबर बोलते हो। तो वो चीज लिखते हो। ठीक है, तो इसमें लिखो, पाइप आमतौर पर घरों, दुकानों, उद्योगों आदि में काम आता है, जिसे काटना, मोड़ना, तोड़ना व चूड़ी काटकर फिटिंग करना होता है। ठीक है, यह कार्य क्रिया, यह कार्य क्रिया प्लंबिंग शॉप में की जाती। जो मैकेनिक या कारीगर यह कार्य करता है, उसे प्लंबर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पाइप आमतौर पर घरों, दुकानों, उद्योगों आदि में काम लिया जाता है, और काम लेने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और कभी कभी उसे चूड़ी काट कर क्या करनी पड़ती है? फिटिंग करना पड़ता है। तो यह कार्य क्रिया कहां पे होती है? प्लंबिंग शॉप होती है। जैसे आपका कोई भी लेथ मशीन का कार्य होता है, वो कहां होता है? लेथ मशीन का कार्य कहां होता है? आपकी फिटर की जो लेब होती है वहां होता है ना। तो उसी प्रकार ये जो कार्य होता है वो कहां होता है? प्लंबिंग शॉप में होता है। ठीक है, और जो मैकेनिक या कारीगर, मतलब अब जैसे आप फिटर ट्रेड थ्योरी से क्या, फिटर से क्या कर रहे हो? आईटी कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे?
फिटर कहलाओगे। ठीक है, अब जैसे कोई बंदा अगर प्लम्बर से कोई मतलब आईटीआई कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्लम्बर कहलाता है। उसी प्रकार ये क्या होता है कि जो मैकेनिक या कारीगर इस कार्य को पूर्ण करता है, इस कार्य को सीख लेता है, इस कार्य को करने में सामर्थ्य रखता है, वो क्या कहलाता है, प्लम्बर कहलाता है। ठीक है, इसे लिखो। फिर आगे देखते हैं कि पाइप के लिए धातु कौन कौन सी निर्धारित की गई है, इसे लिखो। फिर आगे देखते चले, तो आगे बढ़ते हैं। लिखो मटेरियल किसके लिए, पाइप के लिए। मटेरियल, ठीक है। अब मटेरियल कौन कौन सा होता है, देखो यह कास्ट आयरन, रोट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिंक, कॉपर, ब्रास, टिन आदि धातु का होता है। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा है कि मटेरियल यह कास्ट आयरन, रोट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिंक, कॉपर, टिन और आपका एक एल्यूमिनियम, और इसके अंदर लिख लो एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म किसके अंदर आ जाता है, आपका धातु के अंदर आ जाता है, यानी मेटल के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ए धातु क्या, ए धातु, ए धातु के अंदर आप लगभग पाइप तो है वो किसी प्रकार के बना सकते हो, पर मुख्यतः इसमें कौन से होते हैं, सीमेंट, सीमेंट में प्लास्टिक वाला। ठीक है, तो मटेरियल तो हो गया आपका कास्ट आयरन, ग्लिनाइज्ड आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास, टिन, कॉपर। ठीक है, और आपका है धातु कौन सा हो गया, सीमेंट और प्लास्टिक। ठीक है, अब इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो पाइप का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है। पाइप का वर्गीकरण आपको बता देता हूं, 6 या 7 प्रकार के आधार पर किया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा आधार किस बेस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा नॉलेज होगा, पहले से ही नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं पाइप का वर्गीकरण। इसे लिखो, पाइप का वर्गीकरण। पाइप का वर्गीकरण मैंने आपको बताया कितने आधार पे किया गया, 6 या 7 आधार पे किया गया। तो सबसे पहला आधार है आकार के आधार पर, क्या, आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर बताओ कैसा होता है, एक तो आपका आकार हो गया गोलाकार, ठीक है, एक तो आकार क्या हो गया आपका, गोलाकार हो गया। तो इसमें लिखो, इसमें पाइप गोलाकार व वर्गाकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। ठीक है, एक तो यह आधार हो गया, दूसरा मोटाई के आधार, मोटाई के आधार पर, मतलब मोटाई के आधार पर, यानी मोटाई और व्यास के आधार पर पाइप को वर्गीकरण किया गया है। जैसे कम व्यास वाले पाइप को क्या बोला जाता है, कंड ट्यूब पाइप बोला जाता है। तो इसमें लिखो, पाइप को मोटाई या व्यास के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जैसे
कम व्यास वाले पाइप को कंडक्ट पाइप कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वर्गीकरण के आधार पर, दो वर्गीकरण, आकार के आधार पर और मोटाई के आधार पर। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नंबर तीन की तरफ। नंबर तीन है आपका उपयोग के आधार पर पाइप। चलो लिखते हैं नंबर तीन, उपयोग के आधार पर। अब उपयोग के आधार पर किन पाइपों को रखा गया है? जो सामर्थ्यवान हो, यानी जो क्षमता सह सके, यानी बल सह सके, कोई वजन है वो सह सके। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, इसमें उन पाइपों को रखा गया है जो क्षमता या सामर्थ्य वाले हो। जैसे जो आपका वाटर पाइप आता है, वाटर पाइप, वाटर पाइप किसकी अपेक्षा मतलब कम क्षमता वाला होता है? गैस पाइप की। किसके? गैस पाइप। ठीक है, जो आपका गैस, जो गैस वाला पाइप होता है उसकी क्षमता के आगे किसकी क्षमता ज्यादा होती है? स्टीम पाइप, स्टीम पाइप। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं चौथा कौन सा वो देखते हैं। इसे लिखो, हाँ आगे बढ़ते हैं निर्माण के आधार पर पाइप। उससे पहले एक बात कि इसके अंदर आपका वाटर पाइप आता है, गैस पाइप आता है, स्टीम पाइप आता है, और आपका ये तेल वाला पाइप है वो भी आता है। ठीक है, चल चल तो नेक्स्ट लिखो नंबर चार। नंबर चार कौन सा? निर्माण के आधार। अब निर्माण के आधार पर, जैसे निर्माण के आधार पर भी इनको क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। जैसे आपका बट वेल्ड पाइप, मतलब बट वेल्ड पाइप यानी वेल्डिंग किया हुआ पाइप, कास्टेड पाइप जिसे किसी भी प्रकार से बनाया हुआ पाइप, ड्रोन पाइप। ठीक है, इस ऐसे बहुत से पाइप होते हैं। तो इसमें लिखते हैं, इसमें निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार, निर्माण के आधार पर पाइपों को वर्गीकृत किया गया। जैसे बट वेल्ड पाइप, ठीक है, और आपका ड्रोन पाइप। ठीक है, कौन कौन सा? बट वेल्ड पाइप, ड्रोन पाइप, और आपका एक और आ जाता है इसके अंदर सिमलेस। कौन सा? सिमलेस पाइप। ठीक है, तो ये किसके आधार पर किया गया है? ये निर्माण के आधार पर किया गया है। जैसे कि आपको कौन सा कार्य किस स्थान पे करना है और किस स्थान पे कौन सा पाइप है वो यूज करना है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सामर्थ्य के आधार पर, यानी क्षमता के आधार पर पाइप। तो इसमें लिखो, क्षमता के आधार पर। अब क्षमता के आधार पर, जैसे हेवी पाइप, ठीक है, लाइट पाइप, ठीक है, स्टैंडर्ड पाइप, ठीक है,
एक्स्ट्रा हेवी पाइप। मतलब अब इनका उपयोग है हेवी पाइप। हेवी पाइप मतलब ये मान लो कि 100 से लेकर 100 तक कोई बल है, ठीक है। अगर आपको 5% का कोई बल है तो उसके अंदर आप लाइट पाइप, ठीक है। अगर उससे थोड़ा आ जाता है, जैसे 30 आ जाता है, तो आप हेवी पाइप का यूज कर लीजिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आ जाता है, यानी कोई 50% के साइड में आ जाता है, तो स्टैंडर्ड पाइप का यूज कर लीजिए। अगर आपका 100 के आसपास में आ जाता है प्रेशर, तो आपका एक्स्ट्रा हेवी पाइप है, वो लोड उठाता है। मतलब सहन करने की इनके अंदर क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आप समझ रहे हो? चलो, अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका जोड़ने के आधार पर पाइप। अब जोड़ने के आधार पर भी पाइप है, जैसे कि देखो मैं बताता हूं आपको, जोड़ने के आधार पर। अब जोड़ने के आधार पर जैसे थ्रेडेड पाइप, यानी चूड़ीदार पाइप, फ्लैंज पाइप, जिसके आगे थोड़ा फ्लैंज हो, कॉलर पाइप, ठीक है, सॉकेट वाला पाइप, सिप गोट वाला पाइप। मतलब ये क्या होते हैं, अलग अलग पोजीशन या अलग अलग स्थिति में इन्हें जोड़ा जाता है। जैसे कि आपको पाइप, दो पाइपों को लंबा करना है और ज्यादा दूरी पर ले जाना है, तो आप क्या किसका यूज करोगे, सॉकेट पाइप का यूज करोगे। अगर आपको कोई थ्रेडेड पाइप है जिसके अंदर कोई अंदरूनी चूड़ी कटी हुई है और किसी के अंदर ऊपरी चूड़ी कटी हुई है, तो आप थ्रेडेड पाइप का उपयोग करोगे। यानी स्थिति के अनुसार उन्हें जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें थ्रेडेड पाइप, ठीक है, फ्लेंज्ड पाइप, ठीक है, सॉकेट पाइप, सिप गोट पाइप, यानी इनके अंदर ये चीजें हैं वो जोड़ी जाती है। हाँ चलिए, इनमें एक चीज और है, जैसे कि आपका कॉलर वाला पाइप, कॉलर पाइप, ठीक है। यानी थ्रेड वाला थ्रेड के स्थान पर जोड़ा जाता है, फ्रेंज वाला फ्रेंज के, सॉकेट वाला सॉकेट के स्थान पर, सिपकोट वाला सिपकोट के स्थान पर, और कॉलर वाला कॉलर के स्थान पर जोड़ा जाता है। इन सबको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल आपका वर्गीकरण, पाइप का वर्गीकरण कौन सा है, इसलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं आपका लास्ट एंड फाइनल। बताओ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कौन सा है, धातु के आधार पर। लिखो, धातु नहीं, धातु के आधार पर, धातु के आधार पर। अब धातु के आधार पर कौन कौन से पाइप होते हैं और इनको क्यों बनाया जाता है? इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी लोड हो, कोई भी जगह हो, उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़े, उनके ऊपर नमी का प्रभाव ना पड़े, उनके ऊपर किसी प्रकार का तेजाब का प्रभाव ना पड़े, इसी कारण है वो धातु का पाइप है वो बनाया जाता है। तो इसमें लिखो, यह पाइप वातावरण वातावरण तेजाब नमी के प्रभाव से बचाने के लिए बनाया जाता है, नमी के प्रभाव से बचाने के लिए। अब धातु के आधार पर पाइप कौन कौन से हैं, मैंने आपको पहले लिखाया था, कास्ट आयरन यानी CI, ठीक है, रोट आयरन यानी RI, ग्लेनाइज्ड आयरन यानी GI शीट नहीं है, ग्लेनाइज्ड आयरन है, ठीक है। फिर आपका ब्रास, फिर आपका कॉपर, फिर आपका टिन, फिर है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हो गया आपका धातु का वर्गीकरण, किस प्रकार किया गया है, इनके आधार पर किया गया, और ये कितने प्रकार के, कुल मिला के 7 प्रकार के धातु का वर्गीकरण। इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाइप का कौन सा टॉपिक आगे बढ़ता है, इसलिए को फिर आगे। हाँ, अब अपन आगे बात करेंगे कि जो सामान्यतः अपन जो उपयोग लेते हैं पाइप, वो किन किन धातुओं में लेते हैं और वो किस किस लिए काम लिए जाते हैं और इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, ठीक है, और कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका कास्ट आयरन का पाइप, ठीक है। चलो,
तो हेडिंग लिखो सामान्यतः उपयोग लिए जाने वाले पाइप, मेटल और नॉन मेटल। सामान्यतः सामान्यतः उपयोग लिए जाने वाले पाइप मेटल व नॉन मेटल, यानी धातु के भी होते हैं और अधातु के भी होते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आपका आता है कास्ट आयरन। लिखो कास्ट आयरन। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर इतना डीप से क्यों पढ़ा रहे हो। इतना डीप से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है। चैनल को शेयर करो, क्लास को शेयर करो, कहीं से भी कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। बीटेक थ्योरी का पूरा कोर्स अपना होगा। ठीक है, अब तो आधा से ज्यादा तो हो गया और बाकी रहे धीरे 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 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट इसी वजह से हो रहे हैं कि पीछे बीमार पड़ गया था। ठीक है, और अब लेट इसीलिए हो रहे थे कि आपके साथ साथ मैथ की क्लास है वो भी थोड़ी हो रही है। ठीक है, तो अपनी जो ट्रेड है वो धीरे धीरे चलती रहे। ठीक है, और आपके सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं, करीबन 700 से प्लस सब्सक्राइब हो गए हैं। ठीक है, धीरे 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 करके 1K तक पहुंचा दो, अपन सेलिब्रेशन करेंगे बड़ा। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कास्ट आयरन। जो कास्ट आयरन का पाइप होता है वो किस में काम आता है, सबसे ज्यादा किस में काम आता है मैं बताऊं? जो जल वितरण योजना होती है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा कास्ट आयरन का पाइप यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखो जल वितरण योजना में सबसे ज्यादा उपयोग क्या, जल वितरण योजना में सबसे ज्यादा उपयोग। जल वितरण योजना यानी जो गांव या शहर, गांव मान लो शहर तो बहुत बड़ा होता है, गांव के अंदर जो एक टंकी से जो पाइप आता है बड़ा सा, वो किसका बना होता है, जो मतलब टंकी गांव के बाहर होती है और उसमें काला सा पाइप लगा होता है, वो किसका होता है, जो ऊपर से सीधा क्या आता है धरती के अंदर धसा जाता है और फिर घरों के अंदर पानी और टूंटियां लगी होती है। अब तो चलो जो पानी घर के अंदर टूंटियां आती है वो प्लास्टिक की होती है, पर वो पाइप किसका होता है, कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट टाइम में जो मेरे घर की जो गली है उसके अंदर पाइप डाल रहे हैं, ठीक है, वो किसकी डाल रहे हैं वो बताओ। पहले तो क्या था, कास्ट आयरन की डालते थे। ठीक है, अब नहीं डालते, पहले डालते अब नहीं डालते, अब प्लास्टिक ही डाल रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखेंगे कि वो कौन सा प्लास्टिक है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, या तो देख के बता दूंगा या मैं फोटो खींच के कम्युनिटी में डाल दूंगा। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो क्या, जल वितरण योजना में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि आपका जो कास्ट आयरन पाइप है वो कैसे बनाया जाता है, पता है किसी को कास्ट आयरन पाइप किससे बनाया जाता है? कास्ट आयरन पाइप को बनाना किसे है, ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसे सेंड मॉडलिंग, क्या इसे सेंड मॉडलिंग विधि से ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है, सेंड मॉडलिंग विधि से ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके संचारण के लिए यानी इसके ऊपर वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े। जो देखो ये पाइप तो अगर फैक्ट्री से आता है तो किसी और कलर में आता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक ऊपर काला जो काली लेप कर देती है वो क्या होता है, एक कोलतार होता है, वो क्यों कर दी जाती है, ताकि बारिश आती है नमी आती है इसके ऊपर है वो जंग ना लगे। ठीक है, तो इसमें लिखो इसे वातावरण से बचाने के लिए, या लिखो इसे नमी से बचाने के लिए कोल तार का लेप कर दिया जाता है।
क्या कह रहा है कि इसके ऊपर किसका लेप कर दिया जाता है, एक कोल तार आता है उसका लेप कर दिया जाता है। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि कास्ट आयरन का जो पाइप होता है जल वितरण के लिए, जो ऊपर से वो काला क्यों होता है और उसको वातावरण की नमी से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, कोल तार का लेप है वो किया जाता है। ठीक है, अब देते हैं कि इसकी नाप है वो कितनी होती है, तो इसमें लिखो इसकी नाप 2 इंच से, क्या इसकी नाप 2 इंच से 6 फुट तक व्यास व 2 से 9 या 6 से 9 फुट इसकी क्या आती है, लंबाई आती है। तो इसमें लिखो 6 से 9 फुट तक लंबाई। ठीक है, चलो अब देखो एक बात है कि अब पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, कि अपने आधार पड़ा था कि किस आधार पर जोड़ा जाता है, तो सॉकेट के आधार पर, थ्रेडेड के आधार पर, और आपका कोलर के आधार पर, एक सिप गोट के आधार पर, है ना। तो इसमें देखते हैं कि ये पाइप है कास्ट आयरन का पाइप है वो किस आधार पर जोड़ा जाता है। यह पाइप सिप गोट के प्रयोग से रबड़ रिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसमें लिखो यह सिप गोट के उपयोग से रबड़ रिंग, क्या रबड़ रिंग से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, आगे बढ़ते हैं दूसरे पाइप की तरफ। तो दूसरा पाइप आपका रोट आयरन। अब रोट आयरन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, ये तो पता है रोट आयरन क्या होता है, अब ये बताओ रोट आयरन से पाइप कैसे बनाया जाता है, बताओगे कोई, रोट आयरन से पाइप है वो कैसे बनाया जाता है, रोट आयरन कैसे बनाया जाता है, कि जो रोट आयरन की प्लेटें होती है ना उनको रोल कर दिया जाता है और उनसे ही उनके पाइप है वो बना दिया जाते हैं। इनके किनारों के ऊपर चूड़ी है वो आसानी से काटी जाती है और ये मुड़ भी आसानी से सकते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई 18 से 36 फुट आती है। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ने के लिए इनके क्या लगे होते हैं, फ्लेंज लगे होते हैं। बस आगे बढ़ते हैं, यह रोट आयरन की प्लेटों को रोल करके बनाया जाता है, क्या यह रोट आयरन की प्लेटों को रोल करके बनाया जाता है, किनारों पर चूड़ियां आसानी से कटती है वह मोड़ भी आसानी से सकती है, लंबाई 18 से 36 फुट तक जोड़ने के लिए फ्लेंज लगे होते। ठीक है, तो रोट आयरन क्या होता है, रोट आयरन की जो प्लेटें होती हैं उनको आपस में, जैसे कि ये आपकी रोट आयरन की प्लेटें हैं, इनको मोड़ दिया जाता है और क्या बन जाता है, पाइप बन जाता है। ठीक है, इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, इनके ऊपर आसानी से क्या चूड़ियां काटी जा सकती है, इनकी लंबाई 18 से 36 फुट होती है और इनको आपस में जोड़ने के लिए, जैसे पाइप बन गया, इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या बना होता है, फ्लेंज बना होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, सॉरी तीसरे की तरफ।
तीसरा है आपका जीआई पाइप। अब जीआई पाइप कैसे बनाया जाता है बताएगा कोई? जीआई पाइप कैसे बनाया जाता है? जी आई पाइप, जीआई पाइप कैसे बनाया जाता है? रोट आयरन के कम व्यास वाले पाइप पर जस्ते की कोटिंग की जाती है नमी से बचाने के लिए। तो इसमें लिखो रोट आयरन पर जस्ते की कोटिंग की जाती है नमी से बचाने के लिए। ठीक है, क्या जो रोट आयरन होता है उस पर जस्ते की कोटिंग की जाती है। पर रोट आयरन कौन सा होता है? कम व्यास वाला, कम व्यास वाले। ठीक है, सीधा से बताता हूं, रोड आयरन कम व्यास वाले पाइप पर जस्ते की कोटिंग की जाती है नमी से बचाने के लिए। ठीक है, चलो, और इसके ऊपर उपसाधन, उपसाधन को फिट किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, उपसाधन यानी जो छोटे छोटे साधन होते हैं, छोटे छोटे टूल होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं? फिट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पाइप का दूसरा नाम क्या है? इसे गैल्वेनाइज्ड पाइप कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड पाइप है वो कहते हैं। अब गैल्वेनाइज्ड इसे पाइप कहते हैं तो इसके ऊपर एक मुख्य प्रकार की चूड़ी है वो काटी जाती है। कौन सी? इस पर बीएसपी मानक चूड़ी काटी जाती है। और जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉकेट का उपयोग किया जाता है। जोड़ने के लिए सॉकेट का। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं, जीआई पाइप यानी रोट आयरन कम व्यास वाले पाइप के ऊपर जस्ते की कोटिंग की जाती है नमी से बचाने के लिए, और उपसाधन को फिट किया जाता है, और इसे गैल्वेनाइज्ड पाइप भी कहा जाता है। बीएसएफ की चूड़ी इसके ऊपर काटी जाती है, कहां पर? किनारों पर। कहां? किनारों पर। ठीक है, और जोड़ने के लिए इसमें सॉकेट का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि कौन सा पाइप है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टील पाइप। अब स्टील पाइप आपने कहीं देखे हैं? स्टील पाइप कौन से होते हैं और किसके लिए काम आते हैं? स्टील पाइप रोट आयरन के स्वरूप बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या? रोड आयरन के स्वरूप। ठीक है, इसका मुख्य काम यानी उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल लाइन। किसके लिए? जल लाइन में। ठीक है, और उच्च दाब पर जल प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इनका व्यास कितना रखा जाता है? इनका व्यास 2.34 मीटर। ठीक है, और ये धरती के अंदर यानी जमीन के अंदर गाड़े जाते हैं, तो इनका जीवन काल कितना रहता है? 25 से 30 वर्ष तक इनका जीवन काल तो रहता है। ठीक है, चलो, और इनको आपस में जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जोड़ने के लिए रिवेट या वेल्डिंग। किसका? रिवेट या वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है।
वेल्डिंग का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं। रोट आयरन के स्वरूप होते हैं, जल लाइन में काम आते हैं, उस दाब पर जल इसे प्रवाहित किया जाता है और इनका जो व्यास होता है वो 2.3 क्या 2.3 मीटर होता है। क्या होता है व्यास, उनका जीवन काल कितना होता है 25 से 30 वर्ष होता है और जोड़ने के लिए रिवेटिंग या वेल्डिंग का उपयोग है वो किया जाता है। आज के लिए क्लास आपकी इतनी ही और बाकी की क्लास है वो इसी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जितना समझ में आया वो एक बार रिपीट कीजिएगा, दो बार रिपीट कीजिएगा। वैकेंसी आ रही है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि व्यू नहीं आ रहे अपनी थ्योरी के ऊपर, क्यों नहीं आ रहे व्यू? कंटेंट बढ़िया नहीं आ रहा, समझाने का तरीका सही नहीं है, या चेंज हो गया, या मैं चेंज हो गया? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दिया करो, ये नहीं कि यार सर बस नहीं दिक्कत है तो कमेंट किया करो, इंप्रूव होगा। ठीक है, चलो तो बाकी क्लास नेक्स्ट डे होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।